माँ सात दिन की बच्ची और पांच गोली, शर्म कम काम, डूब मरने कम काम है सर। लेकिन बेटी के आने पे वो भी जो हमारी फैमिली में, उनको बड़ा दुख हुआ था, काफी रोए थे वो। सारे मुआशरे पे कलंक लगा दी इस बंदे ने। वो बहुत गंदा इंसान होगा जिसने ऐसी हरकत की हो। तो उसाना चाहिए उसको, तो खत्म कर देना चाहिए उसको, इबरत का निशान बनाना चाहिए कि वो जो जुल्म कर रहा है। अगर उसने देखें वो भी किसी की बेटी लेके आया, किसी की बहन लेके आया है, तो उसने बीवी बनाई है, तो ये भी एक औरत ही बच्चा पैदा करती है। अगर औरत नहीं होगी तो वो बच्चा कैसे पैदा करेगी। उसे जो भी सजा दी जाए ना, वो बहुत कम है, उसे ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए ताकि आगे से इंसान को इबरत हासिल हो कि वो ऐसा कोई काम ना करे। पता क्या बात है, आप उसको बाप कह रही हैं, बाप कह के बाप की तौहीद कर रहे हैं। बाहर डाला, आपको उसको बाप नहीं कहना चाहिए, वो तो बाप पे एक तोहमत है। अगर बाप होता तो वो अपनी बेटी को इस तरह मारता? मैं नहीं मानता। देनी चाहिए और फांसी बहुत कम, फांसी दे के सो गोली मार देनी, गोलियां मारनी चाहिए, गोली नहीं मारनी चाहिए, गोलियां मार देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज बेग, आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान। नाज़रीन, आज का टॉपिक मेरा वो बेटी जो जिसको जिसके बाप ने, दरिंदा सिफ्त बाप ने 7 से 5 गोलियां मार के शहीद कर दिया गया। मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूं नाजरीन के, चार चार बीवियों की शरीयत की बात करने वाले, चार चार बीवियां रखने वाले एक बेटी से तंग पड़ गए। क्या आपको सिर्फ शरीयत यही बताती है कि चार बीवियां करनी है? शरीयत आपको क्या ये नहीं बताती कि एक बेटी भी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेटी के लिए कैसे अदब से खड़े हो जाते थे? तो नाज़रीन, आज हम अपनी आवाम के रिव्यू जानेंगे, हमारे साथ रहिएगा। 7 दिन की बेटी को शहीद किया गया, उसके बारे में क्या ओपिनियन? बस देखें कि जो भी उसने किया है ना, वो ज़्यादती की है। अगर उसे बेटी नहीं पसंद थी, वो किसी को दे देता। कुछ दुनिया में ऐसे भी बहन भाई हैं जो बेटी को तरसते हैं, तो लिहाजा उसे कत्ल नहीं करना चाहिए था, वो किसी को दे देता, किसी का भला हो जाता। हम भी एक माँ हैं, बेटी हैं, बहन हैं, बीवी हैं, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे तो सरेआम गोली मार देनी चाहिए। अगर उसने देखें वो भी किसी की बेटी लेके आया, किसी की बहन लेके आया है, तो उसने बीवी बनाई है, तो ये भी एक औरत ही बच्चा पैदा करती है। अगर औरत नहीं होगी तो वो बच्चा कैसे पैदा करेगी, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके लिए सजा क्या तजवीज करती हैं? अगर आप हुक्मरान होती, अगर आप अहदेदार होती, तो आप उसको क्या सजा देती? अगर मैं, मेरे में इतनी अथॉरिटी होती तो मैं उसे गोली मरवा देती। उसी गोली तो बहुत छोटी सी सजा है, 5 गोलियां छोटी सी मासूम बच्ची को मार दी, उसको तो मैं कहता हूँ घसीट घसीट के मारना चाहिए। बिल्कुल उसे ऐसा ही करना चाहिए। बाहर उसे जो भी सजा दी जाए ना, वो बहुत कम है, उसे ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए ताकि आगे से इंसान को इबरत हासिल हो कि वो ऐसा कोई काम ना करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आपका नाम? वलीहा जफर। वलीहा, आपको पता है कि 3-4 दिन पहले 7 दिन की बेटी को एक दरिंदा सिफ्त इंसान ने, बाप कहना तोहीन होगी, उसने अपनी 7 दिन की बेटी को कत्ल कर दिया, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन? वो तो जुल्म किया बच्ची के ऊपर, जुल्म है उसकी माँ के ऊपर, जुल्म है सारा माशरे में। ये तो अजीब ही बात है कि आप एक बेटी हो, आप बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। आपके माँ बाप से प्यार करते हैं? हाँ जी, काफी काफी प्यार करते हैं। हाँ जी। तो आप उस इंसान के लिए क्या बोलना पसंद करेंगे? वो बहुत गंदा इंसान होगा जिसने ऐसी हरकत की हो, तो उसके लिए क्या सजा, गवर्नमेंट को क्या अपील करनी चाहिए आपको? क्या आपको रोना आया था? हाँ जी, तकलीफ हुई थी ना, छोटी सी बच्ची जिसको दुनिया का पता नहीं है। ये लोग कहते हैं हम 4 शादियां करेंगे, सुन्नत है 4 शादियां करना, तो क्या ये सुन्नत वो भूल चुके हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के आने पे खड़े हो जाते हैं? हाँ जी। तो गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगी उस दरिंदा सिफ्त इंसान को? तो फांसी लगाना चाहिए उसको, तो खत्म कर देना चाहिए उसको, इबरत का निशान बनाना चाहिए कि वो जो जुल्म कर रहा है। बेटी तो एक अल्लाह की रहमत है, तो बेटी को उसने जहमत समझ के मारा, कि बेटी क्यों हुई, ये गलत बात है। अल्लाह हदायत दे। मैम, जैसा कि आप जानते हैं, मियांवाली में एक दरिंदा सिफ्त इंसान है जिसको बाप कहना भी तोहीन है, उसने अपनी 7 दिन की बच्ची को 5 गोलियां मार के शहीद कर दी है। जैसा कि हम लोग 4 बीवियों से बड़ा खुश होते हैं, 4 बीवियां हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, सुन्नत है, एक बेटी के पैदा होने पर हमसे बर्दाश्त नहीं होता, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? बिल्कुल, आजकल बल्कि जो हैं ज़्यादा मर्द शादियां कर रहे हैं, 4 से भी ज़्यादा कर रहे हैं, हमारी अपनी फैमिली में ऐसे हैं तो। लेकिन बेटी के आने पे वो भी जो हमारी फैमिली में, उनको बड़ा दुख हुआ था, काफ़ी रोए थे वो। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हजूर पाक ने जब हज़रत फातिमा तशरीफ़ लाती थी, तो वो ख़ुद उनके इस्तकबाल के लिए खड़े होते थे, और जब अल्लाह ताला कहीं से खुश होता है तो वो बेटी देता है, और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब बेटी पैदा होती है तो एक फरिश्ता आता है, तो वो बाप का बाजू बनता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बेटी के होने पे खुश हों प्लीज़,
तो हमारी एक ही बेटी है और हम इस पे इतना खुश हुए थे, बहुत खुश हुए थे। और हमने, हाँ जी, वो जो दरिंदा सिर्फ इंसान है उसके लिए क्या, आपको क्या गवर्नमेंट को क्या पैगाम दें? उसको यही कहूँगी कि प्लीज़ उसको भी वैसे ही गोलियां मार के मार लिया। नहीं बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि उसको घसीट घसीट के जलालत वाली मौत देनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, और उसको सरेआम देनी चाहिए। लेकिन हमारे पाकिस्तान में अभी तक इंसाफ तो वैसे कहीं नजर नहीं आया। जैसे इंसाफ मिलता हो तो फिर ऐसे वाकया नजर ना आए, तो इबरत का निशान होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। कभी छोटी सी बेटी के साथ रेप हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, मतलब कि ये सिर्फ वही है कि सजा ना मिलने पे। बिल्कुल सरेआम करना चाहिए ताकि सबको इबरत हासिल हो। 7 दिन की बच्ची और 5 गोली, शर्म कम कम, डूब मरने कम काम है। सारे मुआशरे पे कलंक लगा दी इस बंदे ने। मैं कहता हूँ कि सबको मरवा दिया, और बेटियों वाले छुपते फिर रहे हैं कि यार क्या कर दिया, शर्म की बात है। और मेरे ख्याल में जितनी सजा उस बंदे को मिलनी चाहिए, चौक भी लटकाना चाहिए, फांसी देनी चाहिए उस बंदे को, और 5-6 लटका कर उसको गोलियाँ मार देनी चाहिए वैसे। और ये मैं गाली के बगैर बात कर रहा हूँ, मेरे दिल में बहुत गालियाँ उसके लिए। हम एक तरफ 4-4 बीवियों के ख्वाब देखते हैं, 4 बीवियाँ सुन्नत है, शरीयत में है, आप 4 शादियाँ कर सकते हैं, लेकिन एक बेटी बर्दाश्त नहीं हुई आपसे। 4 बीवियाँ बर्दाश्त कर सकते हो, एक बेटी बर्दाश्त नहीं हुई। क्या वो तुम्हारी बीवी किसी की बेटी नहीं थी? क्या तुम्हारी माँ वो किसी की बेटी नहीं है? ओ अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुम्हें गर्क करे, तुम सबसे पहले अपनी माँ को, अपनी बीवी को कत्ल करो। तुम्हें पता चले 7 दिन की बेटी के ऊपर इतना जुल्म, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम डूब के नहीं मर गए? इसके बारे में आप क्या कहते हैं, गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए? इसको फांसी देनी चाहिए, और फांसी बहुत कम, फांसी दे के गोली मार दे, गोलियां मारनी चाहिए, गोली नहीं मारनी चाहिए, गोलियां मार देनी चाहिए इसको। गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही, गवर्नमेंट ऐसा कर... देखिए मेरी बात सुने, आजकल हर गली मोहल्ले में बेटियां बच्चियां महफूज नहीं है। इतने मामला हो रहे हैं, जैनब का केस, कभी किसी का केस, कभी किसी। अगर गवर्नमेंट सही तरीके से एक्शन ले तो फिर तो मेरा ख्याल है ये सब कुछ होना बंद हो जाए। गवर्नमेंट सही होती एक्शन लेगी ना, गवर्नमेंट तो बहुत गलत है। शर्म नहीं आती गवर्नमेंट को? क्या एक्शन लिया अभी तक उसने? सिर्फ पकड़ा हुआ उसको, क्या क्या फैसला किया है? यकीन माने जिस दिन का सुना है ना, उस दिन की खुदा की कसम नींद नहीं आ रही, टेंशन खड़े हो रहे हैं, बाहर खड़े हो रहे हैं सुन के ही। मासूम बच्ची खुदा की कसम हाथ में उठाए ना तो बंदा का दिल मोम हो जाता है, कोई जरा सा जोर ना लग जाए, ज्यादा सख्ती से ना पकड़ा जाए। अबू जहल की रात अभी भी जिंदा, मैं कहता हूँ अभी भी हैं अबू जहल के बकाया जात जो ना, अभी भी हैं। ये वही नस्ल का बंदा मुझे लगता है। अल्लाह गर्क करे तुम्हें, पता नहीं कितनी बदवाएं हैं, कैमरा है जिसकी वजह से अपने गुस्से पे कंट्रोल है। काश के तुम मेरे सामने होते, तुमको गोलियां नहीं मारता बल्कि ऐसा करता तुम्हारे साथ के निशाने इबरत बना के रख देता तुम्हें। व्यूवर्स, वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा इस बंदे के साथ क्या सलूक करना चाहिए, ये लाजमी बताइएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।